महिंद्र ने एक काफ़ी सेक्सी गाड़ी लॉन्च करी है जिसको ये कहता है 6E, जिस इज द BE60 इलेक्ट्रिक SUV है, ये स्पोर्ट्स SUV है, ये लॉन्च हो गई है 18.90 लाख स्टार्टिंग प्राइस है इसका, बाकी जो ट्रिम्स है ये बाद में आएंगे, बट दिस इज द BE60 दिस इज विद अस। आप देख रहे हैं मोटर वाले ने, हम आपको बताएंगे इन आर फर्स्ट लुक रिव्यू एवरीथिंग ऑन द 6E। अगर लुक्स की बात करें तो ये गाड़ी काफ़ी अलग लगती है, काफ़ी फंकी लगती है। अगर आपने हमारा वीडियो देखा है ऑफ द XEV 9E तो आपको वो गाड़ी प्रीमियम लगेगी, एलिगेंट लगेगी, और ये गाड़ी काफ़ी स्पोर्टी, हटके, एक अटेंशन ग्रैबर लगेगी। काफ़ी सारे आपको इसमें शार्प लाइंस मिल जाता है ग्लॉसी ब्लैक के, काफ़ी सारा एक इंसर्ट, एक प्ले किया हुआ है इसके फेस में। ये है इसके DRLs जो कन्वर्ट होते हैं इन स्वीपिंग टर्न लैंप्स ऑल्सो, और इसमें भी आपको ग्रूव मी का जो म्यूज़िक वाला डांस फीचर है वो आपको इसमें मिल जाता है। ये यहाँ पे छुपा हुआ है, इसके LED जो DRLs है, हेडलैम्प्स है, वो यहाँ छुपा हुआ है। काफ़ी एक अलग DRLs है जो एनगल्फ करता है, जो कम्प्लीटली टर्न करता है अपने आप को, और यहाँ पे आपको एयर डैम मिलता है, एक अलग स्टाइलिंग का मामला है। प्रैक्टिकल नहीं है लेकिन ये फॉर लुक्स है, दिस मेक्स द कार लुक वेरी वेरी स्पोर्टी। एक स्लोपिंग आपको यहाँ पे एलिगेंट एक स्लोप मिल जाता है जो अंदर की तरफ जाता है। आपको BE का एक अलग ब्रांड इन्होंने लॉन्च किया है, सब ब्रांड उसका आपको यहाँ पे लोगो मिलेगा, और ये ग्लो करता है, दिस इल्यूमिनेट्स। इसके साथ में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको ऑप्टिमाइज्ड एरो, यहाँ पे आपको एक अलग एक यहाँ पे बैजिंग मिल जाता है, अगेन दैट इज फॉर द डिज़ाइन ओवर हियर, जो हवा को काट के इसका रेंज को बढ़ाता है वो। दोनों भी जो गाड़ियाँ हैं ये इनग्लो प्लेटफॉर्म पर बनी हुई है, जो कि इंडिया ग्लोबल जो प्लेटफॉर्म है फॉर इलेक्ट्रिक वो है, और जो वहाँ पे आपने देखा वो आपको यहाँ बैजिंग मिल जाएगा ऑफ द ट्रिम 3, और ये स्कैन करके आपको इसके वेबसाइट पे अगर आपको डिटेल लेता है तो वो आपको यहाँ पे इन्होंने स्कैन कोड दिया हुआ है। आपको R20 के व्हील्स मिल रहे हैं, काफ़ी मीटी, काफ़ी बड़े साइज़ के व्हील्स हैं। आपको एक EV स्पेसिफिक एलॉय व्हील्स दे रहे हैं यहाँ पे, अगेन ग्लॉसी ब्लैक इंसर्ट्स हैं शार्प वाले जो कि रन करते हैं ऑन द अंडर बॉडी। इंडी लोगो आपको यहाँ पे मिलेगा, प्लेटफॉर्म का जो बैजिंग है वो मिल जाता है, अगेन जो डोर के हैंडल्स है ये जाएंगे यहाँ पे अंदर इनटू द बॉडी, और जो पीछे का जो मामला है वो अगेन इनटू द फ्रेम है, इनटू द पिलर, ये डोर खुलता कुछ ऐसे है। काफ़ी सारे शार्प लाइंस के साथ में आपको ये गाड़ी दिखाई देगी यहाँ पे, और यहाँ पे आपको एक छोटा सा एक हम्प दिखाई देगा जो कि गाड़ी को एक एथलेटिक लुक देता है, एक स्पोर्टी लुक देता है फ्रॉम द रेयर। अगर रेयर प्रोफाइल की बात करें तो स्पोर्टी है, अलग है, हटके है, अटेंशन ग्रैबर है, जस्ट लाइक द साइड्स एंड द फ्रंट। यहाँ पे आपको एक रेज्ड बैक मिल जाता है इंटीग्रेटेड स्पॉइलर के साथ में, जो इसका टेल लैंप है अगेन LED वाले हैं, जो यहाँ पे एक UC शेप में आता है, कंप्लीट जो बॉडी है उसको हग करता है। इसके साथ में आपको यहाँ पे बड़ा एक स्पॉइलर मिल जाता है, एंड अगेन एनहेंसेज द रेंज, इंक्रीज द रेंज। ग्लास का जो एंगल है वो काफ़ी स्टीप है इसमें, तो आपको यहाँ पे शार्क फिन एंटेना नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो एंटेना है वो प्रिंट किया हुआ है ऑन द ग्लास। अगेन पीछे का जो हिस्सा है ग्लॉसी ब्लैक, जो पियानो ब्लैक इंसर्ट्स है वो मिल जाते हैं, और आपको यहाँ पे उन्होंने विंगलेट दिए हुए हैं अगेन, दिस इज अगेन टू मेक इट लुक गुड एंड ऑल्सो इंक्रीज द रेंज। जो आपको ग्रूव मी वाला जो एक डांसिंग लाइट का फीचर मिलता है ऑन द 9E, इस पर भी आपको मिलता है ऑन द BE60, ये काफ़ी ये पूरा ग्लो करता है, डांस करता है ऑन द म्यूजिक। आपको 460 लीटर्स का बूट स्पेस मिल रहा है, इलेक्ट्रिकली ओपनेबल आपको बूट लेड मिल जाता है जो खुलता कुछ ऐसे है। 460 लीटर का बूट स्पेस है यहाँ पे, और एक जो लोडिंग का एरिया ये फ्लैट आपको लिप मिल जाता है यहाँ पे, अगेन यहाँ पे कुछ जगह नहीं दिया हुआ है, बट देन दैट्स हाउ इट इज। ये इसका चार्जर का जो यहाँ पे चार्जर है, होम चार्जर वो है यहाँ पे दिया हुआ है, तो दिस इज द होम चार्जर, एंड यहाँ पे अंदर आपको दो हैंडल्स दिए हुए हैं, अगेन टू क्लोज द बूट यू नीड टू प्रेस द बटन ओवर हियर, और इलेक्ट्रिकली बूट लिड जो है वो बंद हो जाता है। आपको 45 लीटर का फ्रंक मिल रहा है जो कि फ्रंट स्टोरेज है, ये है इसका फ्रंक एरिया, फ्रंट स्टोरेज एरिया। यहाँ पे यू हैव द BE का ब्रांडिंग, यू कैन कीप सम गुड आइटम्स ओवर हियर, गुड अमाउंट ऑफ जगह है यहाँ पे बंद करने के लिए। यहाँ पे एक कारपेट टाइप दिया हुआ है एक कैंसिलिंग के लिए, नॉइज़ कैंसिलिंग के लिए, ऐसा सामान हो गाड़ी जंप करे तो आवाज़ अंदर ना आए, कैबिन में ना आए, तो दिस इज़ फॉर इंसुलेशन। यहाँ पे आपको हाइड्रोलिक सपोर्ट भी दे रहे हैं यहाँ पे, तो यू नीड नॉट होल्ड द बॉनेट ओवर हियर, तो इसको खोलने में ईजी होता है और बंद करने में भी इट इज़ वेरी ईजी। अगर टेक स्पेक्स की बात करें, इसके बैटरी की बात करें, तो BE60 को पावर करता है 59 kWh वाला बैटरी पैक, और ये बैटरी जो है ये चार्ज होता है फ्रॉम 20 to 80% अगेन इन 20 मिनट्स ओनली ऑन अ 140 वाट DC चार्जर। ये आपको 170 kW का पावर देता है जो कि बेस्ट इन क्लास बन जाता है
ड्राइव रेंज जो है इसका, प्रैक्टिकल जो है इसका, पावर है जो इसका, ड्राइव क्वालिटी है इसको हम टेस्ट करेंगे ना कंप्लीट ड्राइव रिव्यू। ये लाइक द एक्सीवी 9e आपको ड्राइव मोड मिल जाते हैं, आपको काफ़ी सारे दुनिया जहाँ के सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं, यू गेट 6 एयरबैग्स, यू हैव लॉट मैनी सेफ्टी फीचर। 6e का जो इंटीरियर है वो उसके नाम की तरह 6e है, सेक्सी है और अलग है। अगर आप देखें तो जो ड्राइवर का एक कंसोल है वो अलग कर देता है विद दिस, जो यहाँ पे डिवाइडर है यहाँ पे आपको एम्बिएंट लाइटिंग मिल जाता है और ये जो हिस्सा है ये अलग कर देता है ड्राइवर को और पैसेंजर को। साथ में जो आपको यहाँ पे ट्विन डिस्प्ले दे रहे हैं, यहाँ पे ड्राइवर डिस्प्ले एंड द एवियन सिस्टम, काफ़ी बड़ा है, वाइड स्क्रीन है ये। इसके साथ में जो एसी के वेंट्स हैं वो यहाँ पे हैं, वो यहाँ पे भी है, इस कर्व में भी यहाँ पे छुपा हुआ है। आपको दो मोबाइल के चार्जिंग का जो डॉक है वायरलेस वो मिल जाता है, काफ़ी अलग फ्यूचरिस्टिक एक फाइटर एयरक्राफ्ट वाला एक शिफ्टर मिल जाता है यहाँ पे। फंकी शिफ्टर पे आपको ब्रेक रीजन का जो प्लस माइनस जो आपको अप और डाउन करना है उसका जो चेंजिंग है वो यहाँ पे दिया हुआ है। ये आपका जो एक पार्किंग है, हैंड ब्रेक है, वो आपको यहाँ मिल जाता है। काफ़ी अलग सा एक फंकी लुक है यहाँ पे। स्टार्ट स्टॉप का जो बटन है, बटन तो है नहीं है, ये टच वाला जो बटन है ये यहाँ पे इन्फ्यूज़ किया हुआ है। ये आपका मेन जो डायल है टू कंट्रोल और मेन डिस्प्ले वो, और ये जो यहाँ पे है ये क्या है भाई, ये है मैग्नेटिक की फॉब होल्डर, ये आपका की फॉब है और ये यहाँ पे ऐसे चिपक जाएगा, चुंबक है इसमें, तो दिस होल्ड ओवर ईयर। और ये देखिए कितना अलग, कितना फंकी है इसका की फॉब, लॉक अनलॉक बूट खोलने का। और ये आपका जो एसी को आपको ऑन करना है, यू नीड टू प्री कंडीशन द कार, उसका यहाँ पे दिया हुआ है बटन, तो है ना ये वेरी फंकी। इसको हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। इसके साथ में यहाँ पे आपको अगेन स्टोरेज स्पेस दे रहे हैं और यहाँ पे आपका आर्मरेस्ट में यू हैव दिस सॉफ्ट पैडिंग ओवर हियर। सीट्स की बात करें तो आपको इलेक्ट्रिक एडजस्ट सीट मिल रहा है यहाँ पे, सीट में कूलिंग है, पार्ट फैब्रिक और पार्ट फॉल लेदर का आपको यहाँ पे अपोस्टरी मिल जाता है। और जो हेडरेस्ट है उसको एडजस्ट करने का जो बटन है वो यहाँ पे दिया हुआ है, यू जस्ट नीड टू प्रेस दिस बटन और इसको आपको ऊपर नीचे यू कैन यू नो टेक द हेडरेस्ट अप एंड डाउन। एक अलग डिज़ाइन वाला, एक अलग शेप वाला हेडरेस्ट है यहाँ पे। आपको 6 एयरबैग्स मिल जाता है, एडास लेवल 2+ का फीचर मिल जाता है और जो यहाँ पे आपका इन्फिनिटी ग्लास रूफ है विद लाइट ग्लो, लाइट डांस यहाँ पे जो है, आपका हेडलाइट्स में जो लाइट है डांस वो तो मिलता ही है कि यहाँ पे जो थीम है वो आपको यहाँ मिल जाता है। यू कैन चेंज द एम्बिएंट लाइटिंग और जो रूफ में यहाँ पे कंट्रोल दिया है ग्लॉसी ब्लैक वाला, ये यू हैव द हैजर्ड बटन ओवर हियर, बूट खोलने का बटन ओवर हियर, आपको आपके सारे जो कंट्रोल्स यहाँ पे दिए हुए हैं अलग लुक, अलग अलग एक फील के साथ में। और ये आपका जो फेस डिटेक्शन कैमरा है जो ड्राउजीनेस आपका डिटेक्ट करता है आपका आईज को रीड करके, वो यहाँ प्लेस किया हुआ है। ऑटो डिमिंग मिरर है, एडास का जो मॉड्यूल है वो यहाँ प्लेस किया हुआ है। काफ़ी अलग, काफ़ी फंकी है इसका कैबिन, इसका इंटीरियर। पोर्श का अगर आपने मॉडल देखा है तो उसमें एक ट्रिम आता है जो वेट रिडक्शन के लिए आपको ऐसे वाले डोर हैंडल्स यूज़ किए हैं, लेकिन ये यहाँ पे यूज़ किया हुआ है पुल टू ओपन, इसको आपको पुल करना है एंड द डोर ओपन। तो ये डोर ओपनिंग का हैंडल है विच इज़ वेरी फंकी एंड वेरी डिफरेंट। आपको काफ़ी एक अलग एक आर्मरेस्ट मिल रहा है यहाँ पे, आपका जो हार्मन कार्बन का आपको साउंड सिस्टम दे रहे हैं ये, यू हैव ऑल द फीचर्स फॉर सेफ्टी, फॉर कम्फर्ट एंड फॉर एर्गोनॉमिक्स। जो डोर खोलने का एंगल है वो 90 डिग्रीज में है एंड अगेन ये यहाँ पे इसका जो डोर फंकी हैंडल है ये है, हार्मन कार्बन का आपको ग्रिल मिल जाता है यहाँ पे। वेरी डिफरेंट वे ऑफ गेटिंग इनटू द कार, यू कैन जस्ट स्टेप इन, सिट इन द कार एंड क्लोज द डोर। ये है इसका नी रूम, ये है इसका हेड रूम एंड आपको दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट दे रहे हैं यहाँ पे, तीन नहीं मिल रहे यहाँ पे, आपको फोल्डेबल आर्मरेस्ट मिल जाता है विद बॉटल होल्डर्स और फंकी लुकिंग पीछे का जो एसी का बेंच है वो है, मोबाइल का होल्डर दिया हुआ है यहाँ पे, यू हैव अ फ्लैट फ्लोर ओवर हियर, तो सिटिंग इन द मिडल इज ऑल्सो प्रीटी कम्फर्टेबल। आपको आपके जो गैजेट्स है उसका आपको माउंट यहाँ मिल जाता है, यू कैन जस्ट पुट इन योर टैब ओवर हियर एंड दैट्स हाउ यू नो यू कैन यूज इट वेरी इजी। तो ये था हमारा फर्स्ट लुक रिव्यू ऑफ द महेंद्र BE6e, जिसको ये सेक्सी कहता है, बी सेक्सी कहते हैं ये, एंड दिस इज़ अ वेरी फंकी लुकिंग इलेक्ट्रिक SUV। इसको हम चलाएंगे, हमारा कंप्लीट रिव्यू आने वाला है, इसको हम चलाएंगे कल, रिव्यू हमारा आएगा ऑन द 29th, इसको आप मिस ना कीजिएगा। अगर आपने रिव्यू नहीं देखा है हमारा दूसरा जो लॉन्च हुआ है महिंद्रा का, द XEV9e, तो जाके वो देख लीजिए, ये देख लीजिए, वो देख लीजिए, दोनों देख लीजिए और दोनों शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमें एंड लेट अस नो कि आपका क्या राय है अबाउट दिस फंकी लुकिंग इलेक्ट्रिक SUV फ्रॉम महिंद्रा, इंडियन ब्रांड। बी प्राउड, फील प्राउड, दिस इज द 6e एंड आई एम आउट ऑफ यूर। थैंक यू सो मच।